हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी नई डिजाइन का ब्लाउज। ये देखिएगा कितना सुंदर बना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। ये पत्ती पूरी बन के तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ जो हमने 8 फिंदे बनाए हुए थे उनको देखिएगा, ये पिंक हो जाएंगे। पूरी सिलाई एंड तक हम पिंक निकालेंगे, एक उल्टी निकालेंगे तो एक सीधी निकालेंगे। तो निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें पूरी सिलाई हमने निकाल ली है। अब देखें यहाँ भी हम ये चोटी वाली डिजाइन डालेंगे इस तरह से। पूरी रो हम इसी तरह से निकालेंगे। एक ब्लू से तो एक पिंक से, एक ब्लू से तो एक पिंक से। निकाल लिया है। अब जिस तरह से हमने जो जैसे कलर लगे हुए हैं उसी कलर से मैं बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से पूरी रो हम इसी तरह से निकालेंगे। अब देखें पिंक से हम सारी रो को इसी तरह से हम बुन जाएंगे। पूरी रो को हम बुन लेंगे इधर से भी उधर से भी, दो सिलाई। और दो सिलाई के बाद डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन के मैं 8 फिंदे बुनूंगी। जिस तरह से ये बनाई थी इसी तरह से पत्ती बनती जाएंगी। तो हमें 3 पत्तियां बनानी है इस तरह से, हमें 3 पत्ती बनानी है। अब ये दो सिलाई के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसी तरह से हम ये डालेंगे। तो ये 3 पत्तियां मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये बना दूंगी। तो ये पूरा पल्ला बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये डिजाइन रहेगी, इतनी लाइनें रहेंगी, दो लाइनें साइड से, उधर साइड पे जो 3 पत्तियां बन जाएंगी उसके बाद ये बना लेंगे। तो ये पल्ला बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद देखो पल्ला बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पल्ला बनाएंगे। अभी पल्ला बनके तैयार हो गया है। देखें ये बाजू बनाई हुई है, जिस तरह से हमने पल्ला बनाया है उसी तरह से हमने बाजू बनाई है। वो हमने ज्यादा फिंदों में बनाया था, ये हमने 24 फिंदे में बाजू बनाई है। वो हमने 32 फिंदे में बड़ा पल्ला बनाया था। अब हम ये क्रोसिया से इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखें एक जगह से हमें 5 बार डालनी है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने 5 बार डाल लिया। इसको हम इस तरह से करें, ये देखें। ये इसी तरह से बनाना है। ये देखें इस तरह से ये बॉर्डर बनता जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह से हमें ये बाजुओं पे और पल्लों पे इसी तरह से बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर बना रहे हैं उस पे लगाने के लिए।
ये देखें इस पे, ये देखें इस तरह से इसको हम खोल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे और ये इस तरह से हम फंसा देंगे इसमें और इसको खींच लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से फूल बन जाएगा। इसमें हम गांठ लगा देंगे इस तरह से और इसको धागे को हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमें तीन फूल बनाने हैं। ये देखो इसमें हमने पॉम पॉम लगाए हुए हैं इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से हम इसमें टांग लेंगे। ये देखो बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। अब ये हम टांकेंगे, ये देखिएगा इस तरह से हम यहाँ पे टांकेंगे बीचम बीच पे इस तरह से। इसी तरह से हम टांक लेंगे, इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। देखो मैं सिलना सिखा रही हूँ, इस तरह से सिला जाएगा ये। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें बाजू हम इस तरह से ये लगाएंगे, ये हम नीचे की तरफ सिलेंगे। ये देखिएगा ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मिलाने हैं इसको इस तरह से, और ये पत्ती और ये पत्ती दोनों इसको मिलाने हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम चलेंगे। ये देखिएगा इतने ही सिलना है, पत्ती के इस तरफ से हम नॉट लगा देंगे मजबूत वाली और इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखें अब फिर इधर से हम चलेंगे और ये वाली पत्ती और ये इस तरह से हम सिल लेंगे। देखें अब ये हम यहां से लेके यहां तक सिल देंगे। ये देखिएगा ये सिल चुका है, ये इस तरह सिला जाएगा। अब ये गला है थोड़ा डीप है तो हम इसको इस तरह से, आप अगर इसी तरह से पहनना चाहें तो इसी तरह से पहन सकती हैं। ये देखें ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और टाइट भी हो जाता है थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से, ये देखें हमने कर लिया है और इधर हम साइड पे नॉट लगा देंगे। इस धागे को मैं
कट कर दूंगी। ये बनके तैयार हो गया है। ये देखिएगा, ये कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से लगेगा।